हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ सुरेखा। सुरेखा स्पेशल रेसिपी में आज आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ मैक्रोनी। बहुत सारे हेल्दी वेजिटेबल्स का उपयोग करके हम मैक्रोनी को हेल्दी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है और बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कीजिए और साथ बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए बनाते हैं हेल्दी एंड टेस्टी मैक्रोनी। मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये मैक्रोनी का पैकेट लिया है जो 70 ग्राम का है। टोमेटो केचप, दो टमाटर बारीक कटे हुए, पत्ता गोभी बारीक कटी हुई, गाजर बारीक कटा हुआ, प्याज बारीक कटा हुआ, एक शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, तेल, कद्दूकस किया हुआ अदरक, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया ले लिया है, मिर्च पाउडर, जीरा और नमक। मैक्रोनी उबालने के लिए हमने पानी रख दिया है। पानी हमें थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में रखना है ताकि मैक्रोनी चिपके ना। पानी उबल गया है, थोड़ा सा हम इसमें पहले नमक डाल देंगे, थोड़ा सा तेल डाल देंगे और इसमें मैक्रोनी डाल देंगे। मैक्रोनी को हमें थोड़ी थोड़ी देर में इस तरीके से चलाते रहना है ताकि मैक्रोनी तले में चिपके ना। मैक्रोनी उबालने के लिए हमने आधा लीटर पानी रखा था लगभग। मैक्रोनी उबलकर तैयार हो गई है। करीब 8-10 मिनट तक हमें इसे उबालना है। मैक्रोनी का कलर भी चेंज हो गया है अच्छी तरीके से। अब गैस बंद कर देंगे हम और मैक्रोनी को छन्नी में से छान लेंगे। मैक्रोनी का पूरा पानी हटा लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। हम पहले थोड़ा सा हम इस पर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि मैक्रोनी एकदम खिली खिली बन जाए। अब पूरा पानी इसका हटा लेंगे। पहले कढ़ाई गरम करने के लिए रख देंगे। 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे, कद्दूकस किया हुआ अदरक आधी छोटी चम्मच, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसे भून लेंगे, बारीक कटा हुआ गाजर इसे भी भून लेंगे। गाजर को थोड़ा सा भूनने के बाद अब डाल देंगे इसमें कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च काटते वक्त मैंने उसके अंदर के बीज हटा लिए थे और फिर उसके बाद उसे बारीक काट लिया था। अब डाल देंगे हम इसमें पत्ता गोभी बारीक कटी हुई, प्याज डाल देंगे बारीक कटा हुआ, बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे, इन सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, क्रंची रहने देना है, बस 1-2 मिनट इन्हें भूनना है हमें। आधी छोटी चम्मच या फिर उससे भी कम मिर्च पाउडर, आप चाहे तो मिर्च पाउडर डाल सकते हैं या फिर नहीं डालें, क्योंकि बच्चों को मैक्रोनी बहुत पसंद होती है और उन्हें ज़्यादा तीखा नहीं पसंद होता है। इसमें अदरक भी डाला है हमने, हरी मिर्च भी डाली है तो उससे भी काफ़ी तीखापन आ जाता है। तो मिर्च पाउडर ऑप्शनल है, ऐड करें या फिर नहीं ऐड करें। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, तीन टेबलस्पून टोमेटो केचप लिया है मैंने, वो भी हम डाल देंगे इसमें।
जो मैक्रोनी का मैंने 70 ग्राम का पैकेट लिया है, उसी में एक पैकेट आया है मसाले का, तो हम इसमें ये भी ऐड कर लेंगे। टेस्ट मेकर है ये, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब डाल देंगे हम इसमें ठंडी हो चुकी मैक्रोनी और इसे मसालों में मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे इस पर। बस एक मिनट तक हमें इसे इस तरीके से मसालों में मिक्स कर लेना है। मैक्रोनी बनकर तैयार हो गए हैं, गैस बंद कर दूंगी। सर्विंग प्लेट में मैक्रोनी को सर्व कर लेंगे। मैक्रोनी को हम सजा लेंगे थोड़ा सा टोमेटो केचप, थोड़ा सा हरा धनिया। गर्मा गर्म मैक्रोनी बनकर तैयार हो गई है, आप बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे ज़रूर बनाइए, आप खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए और आपके कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले नई रेसिपी के साथ।